जो करता है अपनी बारी का छक्कों से आगाज, और उसने आप एक बड़ा छक्का लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहदी हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो वेले बलोच। और शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस छक्के की बात कर रहा है, तो हमारे कौमी टीम पाकिस्तान का एक प्लेयर है शुएब मलिक, और उसने आप बहुत बड़ा छक्का खड़का दिया है। और उसने कौन सा छक्का खड़काया है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने तीसरी शादी वाला, पहले एक शादी की और उसके बाद दूसरी की और अब तीसरी, और जो दूसरी थी उसको उसने डिवोर्स दिया। कुछ तो कह रहे हैं कि डिवोर्स दिया है और कुछ कह रहे हैं कि लड़की ने खुला ली थी। तो वो फिर इंडिया से उसको लेकर आया था और अब उसको कागज़ों से छुड़ा दिया है और अब उसने कर ली है तीसरी शादी। और तीसरी शादी वो कौन है? वो है सना जवेद। सना जवेद पहले शादीशुदा थी और उसने अपने घर वाले से तलाक ली और उसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी अब चल चुकी है। तो ये काफ़ी दिनों से YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर और TikTok के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ था न्यूज़ के ऊपर कि शुएब मलिक ने शादी किया। और हमने भी जब इसके ऊपर सर्च किया है तो हमें पता चला है कि जी बिल्कुल उसने शादी कर ली है। तो हमने सोचा फिर हम भी वीडियो बना देते हैं। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक इसने पहला छक्का लगाया और दूसरा छक्का लगाया और तीसरा, अब हम ये सोच रहे हैं कि चौथा छक्का ये कब लगाता है। तीन छक्के तो ये ऑलरेडी लगा चुका है, और जो पहली है ना तीसरी वो कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी दूसरी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरी है। अब देखते हैं कि अल्लाह खैर करे, फिर इसके कोई इंटरव्यू के इंतज़ार में रहते हैं कि ये कब इंटरव्यू देता है और कब बताता है कि ये मेरी पहली है या दूसरी है या तीसरी है या चौथी है। अब हमें तो ये कुछ कह रहे हैं कि दूसरी है और कुछ कह रहे हैं तीसरी है। हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं शुएब भाई के लिए कि उनको ये जो शादी है ये ताहियात नसीब हो और ये ताहियात चले। हमारी तो यही दुआ है, लेकिन हम फिर भी इंतज़ार में रहेंगे कि चौथी शादी कब करता है। सना जवेद थी ना, ये पहले शादीशुदा थी जी, तो पाकिस्तान में इनकी दोस्तान में इन दोनों का मिलाप हुआ वहाँ पर शो में। इन्होंने एक दूसरे के साथ जो भी इनका लव स्टोरी थी वो चल गई है, और अब उसका अचानक ही सबको ये खबर मिली है कि जो सना जवेद थी ना उसके साथ इसने शादी कर ली और सानिया मिर्ज़ा को उसने इनसे खुला ले ली और वो वापस चली गई। और इनके दोनों के दरमियान जो मुतालबात तय हुए हैं वो ये हैं कि जो इनका बेटा था ना वो 6-7 साल का था, तो वो जो है इन ये दोनों उसकी सरप्राइज करेंगे और वो फ़िलहाल अपनी माँ के पास रहेगा, जब चाहे शुएब मलिक उसको मिल सकता है। इस बात की हमें समझ नहीं आ रही, जिस तरह राशि रॉकस्टार कह रहा था कि इसके पास पता नहीं कौन से गिदड़ सिंगी है, अगर आपके पास कोई वाकई गिदड़ सिंगी है तो उसको जाकर दो, वो भी कोई बस आगे समझ जाए ना, वो भी नसीब बजमा ले कि हमारे कोई नसीब में कुछ है या नहीं है।